सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सब दोस्तों का अपनी आज की एक और नई वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत होंगे। सबसे पहले तो आई एम सॉरी फ्रेंड, मैं अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं लेकर आ पा रहा। अब से कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया करूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर फ्रेंड मैं आप लोगों को अवेस एडर्स की फर्स्ट एक्शन फाइल की कलर ग्रेडिंग करना सिखाऊंगा। जैसी कलर ग्रेडिंग आपको ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है और जैसी आपने सेम प्रीव्यू के अंदर देखी, तो अगर आप भी सेम यही कलर ग्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। और अगर आपको चाहिए इस कलर ग्रेडिंग की एक्शन फाइल तो उसके लिए आपके पास फ्रेंड्स इस वीडियो पर ओनली 100 लाइक्स का टारगेट है। आप जैसे ये टारगेट कम्प्लीट करोगे आपको एक्शन फाइल मिल जाएगी। लेकिन अगर आप में से किसी भी भाई ने अभी एक्शन फाइल बाय करनी है तो आपको ये साइड पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, तो आप जल्दी से व्हाट्सएप पे आ जाएं। आपको अभी ये ओनली 100 की प्राइस में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को कर दें लाइक। तो आपने प्लस वाले साइन पर क्लिक करके अपनी वीडियो के मुताबिक रेशियो चूज करना है। उसके बाद आपने प्लस वाले साइन पर क्लिक करके मीडिया पर आकर अपने किसी भी क्लिप को ऐड कर लेना है। तो मैंने अपने सेम प्रीव्यू वाले क्लिप को ऐड कर लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही लो क्वालिटी है। उसके बाद आपने इसके स्टार्ट में आकर प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है फिर से, और एक शेप ऐड करनी है। इसे आपने अपनी वीडियो के ऊपर फिल टू कंपोजिशन एरिया करके कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे चले आना। उसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से पेन वाले आइकन पे क्लिक करना है और इसका कलर आपने इसे डार्क पिंक इस तरीके का रख लेना है। तो उसके बाद आपने यहाँ से बैक चले आना है और आपने अफेक्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। फिर आपने ऐड अफेक्ट करना है। ऐड अफेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ अदर वाले ऑप्शन पे आकर सबसे फर्स्ट में कॉपी बैकग्राउंड वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने बैक आना और फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इस बार आपने ऐसे ब्लर वाले ऑप्शन पे आना है और फोर्थ नंबर पे गुचियन ब्लर वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने फिर से ऐड इफेक्ट करना है। इस बार आपने कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन पर आ जाना है फ्रेंड्स, और उसके बाद आपने ऐसे एक्सपोलर गामा वाले इफेक्ट को ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, आपने इसे ऐड कर लेना। उसके बाद आपने फिर से ऐड इफेक्ट करना और फिर से आपने कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन पे आना और थोड़ा सा नीचे आकर आपने सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना। उसके बाद आपने ऊपर सर्च बार में चले जाना और यहाँ पे आकर आपने एच आई सर्च कर लेना। आप जैसे यहाँ पे एच आई सर्च करोगे तो आपके सामने हाईलाइट एंड शेडो वाला इफेक्ट शो हो जाएगा बिल्कुल फर्स्ट में, आपने इसे भी ऐड कर लेना है। अब हमने इन इफेक्ट्स की करनी है एडजस्टमेंट, तो आपने सबसे पहले एक्सप्लोरर गामा को ओपन करना है। एक्सप्लोरर गामा को ओपन करने के बाद आपने इसे एक्सप्लोरर स्ट्रेंथ को -1.06 के राउंड में एडजस्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपने ऐसे बैक आना है। बैक आने के बाद आपने फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना और उसके बाद आपने सैचुरेशन को ओपन करना है और आपने ऐसे सैचुरेशन को -21 के राउंड में एडजस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपने ऐसे बैक चले आना है और फिर से आपने फ्रेंड्स इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना और सबसे लास्ट वाले इफेक्ट को ओपन करना है हाईलाइट को, और हाईलाइट के स्ट्रेंथ को आपने इंक्रीज करके 126 के राउंड में एडजस्ट कर देना। उसके बाद आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आना है, डिफरेंस पे आकर इसे सबट्रैक्ट कर देना। उसके बाद आपने फ्रेंड्स फिर से एक शेप ऐड करनी है, इसे भी आपने अपनी वीडियो के ऊपर फिल टू कंपोजिशन एरिया करना है। और उसके बाद आपने कलर एंड फिल पे आना, इसका कलर व्हाइट रखना है, और फिर से आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आकर कंट्रास्ट पे आना और इसे ओवरले कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने अब हमारा आखिरी स्टेप है, आपने इसे ध्यान से देखना है। उसके बाद आपने एक और शेप ऐड करनी है, इसे भी आपने अपनी वीडियो के ऊपर फिल टू कंपोजिशन एरिया करना है। उसके बाद आपने कलर एंड फिल पे आना है, इसका कलर आपने यहाँ से पैरिट रख लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से फिर से पेन वाले आइकन वाली शेप पे क्लिक करना है और इसका कलर आपने इसे डार्क पैरिट इस तरीके का कर लेना है। उसके बाद आपने इसे बैक आना है और उसके बाद फ्रेंड्स सॉरी आपको जो ऊपर स्टार वाली शेप के साथ एक दरमियान में शेप नज़र आ रही है इस पर आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपने इस व्हाइट वाले सर्कल को ऊपर की तरफ कर देना है और डार्क वाले को कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ कर देना है। आपने फ्रेंड्स इस स्क्रीन पर देख कर इस स्टेप को ध्यान से फॉलो कर लेना है, क्योंकि हमारी वीडियो की सारी कलर ग्रेडिंग इसी स्टेप से होने वाली है। तो आपने डार्क सर्कल को सेम इसी तरीके से फुल नीचे की तरफ कर देना है और व्हाइट सर्कल को आपने फुल ऊपर की तरफ कर देना है जितना आपसे हो सके। आपने सेम इसी स्टेप को इसी तरीके से फॉलो कर लेना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपने चले आना है यहाँ से बैक। सॉरी फ्रेंड्स, आपने इस लाइन को 90 के एंगल में सेम इसी तरीके से सीधा आपने एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपने बैक आकर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर आना है और कंट्रास्ट पर आकर इसे भी ओवरले कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने इसकी ओपेसिटी को 80% के राउंड में एडजस्ट कर देना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपकी वीडियो की सारी कलर ग्रेडिंग सेम टू सेम हो जाएगी अवेस एडर्स की तरह की, जैसे मैंने आपको सेम प्रीव्यू के अंदर दिखाया था और जैसा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो उसके बाद आपने ऊपर वाली तीनों लाइंस को अपनी वीडियो के आखिर तक रख लेना, ऊपर वाली तीनों लेयर्स को, ताकि ये इफेक्ट आपकी पूरी वीडियो पे अप्लाई हो जाए। तो
ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को करते हैं लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्रिकेट के रिलेटेड इसी तरह की ट्रेंडिंग क्वालिटी की वीडियोज़ और एक्शन फाइल देखने को मिलने वाली हैं। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स हम मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट ट्रेंडिंग वीडियो के अंदर। आप सब दोस्त अपना ख्याल रखना।